स्वभाव विभाव पर भाव को ज्ञाता सम्यक ज्ञान ताका धारक तासुपुनि नमो चेत धरि ध्यान ताका धारक पंच गुरु अरहंत सिद्ध अरसु उपाध्याय सब साध पद नमो वीर जिन जगत गुरु गणधर गौतम भी तिन दर्शाए तत्व सब सुपर भाव जुत भी सप्त तत्व मधि जीव ही सुख दुख वेदन हार और तत्व जड़ भाव है ज्ञान सहित जीव सार जीव भाव त्रेपन कहे पंच भाव सामान तिनका वर्णन करते भाव दीप श्रुत जान। हमारी चर्चा भावदीपिका ग्रंथ पे चल रही थी, जिसमें सर्वप्रथम सामान्य अधिकार पे हमारी चर्चा हुई थी। सामान्य अधिकार के बाद पारिणामिक भाव अधिकार। सामान्य अधिकार में सभी पांचों भावों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा सामान्य रूप से जानकारी दी थी। उसके बाद पारिणामिक भाव अधिकार आया था। पारिणामिक भाव अधिकार के बाद में कर्माधिकार आया था, जिसमें 168 कर्म प्रकृतियों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताया था। फिर उसके बाद औदयिक भाव अधिकार हमने प्रारंभ किया था, और औदयिक भाव अधिकार के अंतर्गत गति भाव अंतराधिकार हमने पढ़ा था। आज से हमको मिथ्यात्व औदयिक भाव के अंदर में जो दूसरा अंतराधिकार है, मिथ्यात्व भाव अंतराधिकार, वो हमको आज पढ़ना है। मंगलाचरण करते हैं। दर्शन मोह विध्वंस करी निज गहि सम्यक भाव जय घाति आचार विधि नमो महंत जिन राग। इस पर हमारी चर्चा लास्ट की, दर्शन मोह को विध्वंस करके जिन्होंने अपने सम्यक स्वभाव को प्राप्त किया है, सम्यक भाव को प्राप्त किया है, प्रकट किया है, और चार घातीय कर्मों का नष्ट करके ऐसे जो इस विधि से जो महंत हुए, ऐसे जिनराज को हम नमस्कार करते हैं। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आगे तत्व अधिकार कहिए हैं। दर्शन मोह कर्म के उदय में जीव के मिथ्यात्व भाव हुए हैं, ताते याकु औदय मिथ्यात्व भाव कहिए हैं। विपरीताभिनिवेश सुमिथ्यात्व भाव कहिए। विपरीताभिनिवेश कहिए अन्यथा विप्राय अतत्व श्रद्धान रूप भाव तस्य भावस तत्वम जाका जो भाव सोही ताका तत्व अर जाका जो भाव नाही अन्यथा भाव मानना सो अतत्व श्रद्धान कहिए। ताही तत्व ते जीवादि पदार्थ अपने अपने जिस जिस भाव रूप दिष्टे हैं तिस ही भाव कहिए स्वरूप सहित मानना सो तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन भाव हो। और जिस भाव रूप नाही तिस भाव रूप मानना सो अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होए है। सो मिथ्यात्व भाव दो प्रकार है, एक अग्रहित दूसरा ग्रहित। ये हमने अभी पढ़ा, उस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने मिथ्यात्व भाव के बारे में बताया कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जीव के मिथ्यात्व भाव होता है, उसको औदयिक मिथ्यात्व भाव कहते हैं। मतलब दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में जो जीव के मिथ्यात्व भाव, जो जीव के मिथ्यात्व भाव रहा है, उसको यहाँ पे औदयिक मिथ्यात्व भाव कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ कर्म किस कर्म का निमित्त है वो वाली बात यहाँ पे बताइए। फिर अगली बात बताते हैं कि उस मिथ्यात्व का अर्थ क्या है, मिथ्यात्व भाव क्या होता है कि विपरीत अभिनिवेश को मिथ्यात्व भाव कहते हैं। फिर विपरीत अभिनिवेश क्या होता है, तो विपरीत अभिनिवेश कहिए अन्यथा अभिप्राय या फिर अतत्व सिद्धानुरूप भाव। तो अन्यथा अभिप्राय का नाम विपरीत अभिनिवेश कहा है या फिर अतत्व सिद्धानुरूप भाव उसको विपरीत अभिनिवेश कहा है। देखो इसमें अन्यथा शब्द के बारे में जगदीश पंडित जी एक बात कहते थे कि विपरीत श्रद्धान करना मिथ्यात् भाव है ऐसा कहना, और अन्यथा श्रद्धान करना मिथ्यात् भाव है ऐसा कहना, इन दोनों में अंतर पड़ जाएगा। क्या अंतर पड़ेगा कोई बताए तो फिर इस पे थोड़ा सा डिस्कस करें। कोई भी विपरीत श्रद्धान करना और विपरीत अभिप्राय का नाम मिथ्यात्व और अन्यथा अभिप्राय का नाम मिथ्यात्व, इन दोनों में क्या अंतर पड़ जाएगा? कोई कोई भी आयु सतीश सौम्य कोई भी बताए। कार्तिक भैया मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होगा कि जो विपरीत है तो मतलब जस्ट उल्टा, और अन्यथा में कुछ भी, मतलब एक तरह से अगर देखे तो जीव है तो जीव का विपरीत अगर छह द्रव्यों में देखा जाए तो पुद्गल है, और अगर हम जीव को पुद्गल माने तो विपरीत अभिनिवेश हो जाएगा, और जीव को धर्म 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 मतलब ये वाला माने तो अन्यथा मेरे ख्याल से। देखो अन्यथा मिथ्यात्व रूप भी मिथ्यात्व रूप हो ही हो ये पक्का नहीं है, बट विपरीत मिथ्यात्व रूप होगा ही होगा। हाँ जी, और बोलिए कोई और, कोई और कोई हो? इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे विपरीत अभिनिवेश जो ज्ञान है वो मतलब ज्ञान के हिसाब से चर्चा की हो विपरीत में, और उसमें सिद्धांत की तरफ थोड़ी हिंग मैं बोलना चाहूंगा देता हूँ मैं जी। आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। मैं भैया ये बोलना चाहता हूँ कि विपरीत का मतलब कि आत्मा में सुख ना मानना ये विपरीत, और अन्यथा कि पुद्गल में बाह्य पदार्थों में सुख मानना ये अन्यथा। हाँ तो मतलब इससे हम क्या ग्रहण करें, विपरीत और अन्यथा में क्या अंतर पड़े? विपरीत नास्ति परक है और अन्यथा पर पदार्थों की दृष्टि से वो बात की गई है कि अगर जैसे जो आत्मा का स्वरूप है जानना देखना है, आत्मा का स्वरूप स्पर्श गंधवर्ण नहीं है लेकिन उसे अन्यथा मानना कि वो स्पर्श गंध वाला है जैसे शरीर को ही आत्मा मानना, तो ये तो अन्यथा। और विपरीत मतलब कि आत्मा में सुख गुण नहीं है, इस पे सोचो और फिर बोलो जी। ज्ञान के मतलब ज्ञान के दोष तीन बताए ना, संशय विपर्य न दोष है, तो ये तीन दोष ज्ञान, चलो मैं बता ही देता हूँ, तीन दोष होने पर ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा, ठीक है? तो इससे मैंने बहुत हिंट दे दिया, अब आप इसमें से कोई बताए मुझे मतलब एक बार। अब ज्ञान के तीन दोष है ना, संशय विपर्य और अनदोष है, तो कोई बता रहे मैं, चलो मैं बताता हूँ। देखो ये तीनों ही अन्यथा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उससे अन्यथा मानना मतलब जैसा है वैसा नहीं मानना, इसके अलावा कुछ भी मानना, विपरीत मानना, संशयात्मक मानना, अनद्वयात्मक मानना, मतलब ये तीनों ही अन्यथा में शामिल हो जाएंगे। सम्यक से अलग जो जो है वो सभी अन्यथा में शामिल हो जाएगा, और विपरीत उस अन्यथा का एक पार्ट है, ठीक है ना? मतलब संशयात्मक मतलब जीव को, जीव और पुद्गल इस संशय में हम मान रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ है ऐसा मान के छोड़ दिया तो उसमें हमने मतलब सही नहीं माना, मतलब अन्यथा मतलब क्या होगा, सही नहीं मानना बाकी जैसा भी मानना, तो ये अंतर हो जाएगा अन्यथा में और विपरीत में, मतलब विपरीत अन्यथा का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो वर्ड है ना विपरीत अभिनिवेश कहिए या अन्यथा अभिप्राय कहिए,
तो अन्यथा मतलब सही नहीं, गलत हो, संशयात्मक हो, तो संशयात्मक ज्ञान भी या संशयात्मक सिद्धांत भी वो भी इसमें ही जाएगा, ठीक है ना। सही सिद्धांत का नहीं होना उसका नाम यहाँ पे मिथ्यात्व। मतलब यहाँ जो आपने ज्ञान के दोष है ना, संशय पर अनुसाय, इनको हम सिद्धांत में भी ले सकते हैं, जो ज्ञान इसलिए ले सकते, जैसा ज्ञान चल रहा है श्रद्धा उस हिसाब से ही चलेगी ना। हाँ वो तो है, पर एक अपन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं श्रद्धान की, तो अगर उसको श्रद्धान की अपेक्षा से घटाए तो क्या हो सकता है, कि तो अपन ने ज्ञान की अपेक्षा से घटाया है। हाँ हाँ ठीक है, आपका भी पॉइंट अच्छा है। श्रद्धा को तो ऐसे दो चीज दिखाई नहीं देती, श्रद्धा संशय कैसे करेगी। हाँ मतलब इट इज चूजिंग ओनली, मतलब चूज कर रहा है वो। ओके बस उधर के आ गए। हाँ वो भी अच्छा है, ये बात मैंने इसीलिए कही है कि मिथ्यात्व के भेद आते हैं ना अपने, पांच प्रकार के मिथ्यात्व आते हैं, बताओ कौन कौन। हाँ संशय, विपरीत एकांत, विपरीत एकांत विनय संशय ज्ञान, वो तो क्या। हाँ ठीक, विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान। हाँ ठीक है, मतलब वो भी शामिल कथन कर सकते हैं, ज्ञान पर कथन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिश्र सिद्धांत समय मिथ्यात्व की भूमिका में मिश्र सिद्धांत चलता है, आता है ना कथन, सम्यक मिथ्यात्व की भूमिका में मिश्र सिद्धांत चल रहा है, तो वो अपन वैसे ही ग्रहण कर सकते हैं। मूल में मुझे अन्यथा और विपरीत शब्द से भी एक भाव अपन ग्रहण कर सकते हैं कि अन्यथा थोड़ा ब्रॉड हो गया और विपरीत उस अन्यथा का एक पार्ट हो गया, बस ये वाली बात मुझे यहाँ पे कहनी थी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो विपरीत अभिनिवेश कहिए अन्यथा परिणाम और या फिर अतत्व सिद्धांत रूप भाव, ठीक है। तस्य भावस तत्वम, जाका जो भाव सो ही ताका तत्व, और जाका जो भाव नहीं अन्यथा भाव मानना सो अतत्व सिद्धांत कही है, ठीक है ना। मतलब जैसा जो जिस वस्तु का जो भाव होता है वो उस वस्तु का तत्व है, और उस भाव को नहीं मानकर अन्यथा भाव मानना सो उसका नाम अतत्व सिद्धांत कहा है। ताही तत्व ने जीवादि पदार्थ अपने अपने जिस जिस भाव रूप दृष्ट है ही भाव कहिए स्वरूप सहित मानना सो तत्वार्थ सिद्धांत रूप सम्य दर्शन भाव। तो जिस जिस पदार्थ के, जो भी जीवादि पदार्थ के, जीव अजीव आश्व वन संवर निरमुख, इन सभी जो तत्वार्थ हैं पदार्थ, नौ पदार्थ बोलो तो पुण्य पाप भी शामिल हो जाएंगे, तो इन पदार्थों का जैसा जैसा जिस जिसका जो जो अपना अपना भाव है वो उस रूप ही है। एक देखो जिस जिस भाव रूप तिष्ठे हैं, तिष्ठे मतलब वो उस रूप ही रहते हैं, ठीक है। उस रूप ना मान करके मतलब उन तत्वार्थों का स्वरूप चेंज नहीं हो जाएगा, हम उनको विपरीत मानते हैं तो हमारी मान्यता में उनका गलत भाव बैठा है, तो वैसा मतलब जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानना तो वो तो ऊपर मिथ्यात्म लिया, और जैसा स्वरूप है वैसा मानना सो तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्य दर्शन भाव है। अर जिस भाव रूप नाही तिस भाव रूप मानना सो अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात् भाव हो गया। देखो एक और आप थोड़ा यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ भी पूरा उन्होंने स्पष्टीकरण में विपरीत नहीं लिया, अतत्व लिया है या फिर अन्यथा लिया है ना। देखो अतत्व श्रद्धान लिया है या अन्यथा श्रद्धान लिया है, तो अन्यथा श्रद्धा में वो विपरीत उसका एक पार्ट हो जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व के वो आगे चल के पांच भेद करेंगे या दो भेद करेंगे, मतलब जिस भी तरह से भेद आएंगे तो वो अन्यथा में वो सब शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये बात आई थी, और लास्ट में बताया कि इस मिथ्यात्व के दो प्रकार होते हैं, एक अग्रहित मिथ्यात्व और एक ग्रहित मिथ्यात्व। आगे अब अग्रहित का स्वरूप कही है, तहां परद्रव्य परगुण परिवर्त पर पर्याय विषय अहंकार ममकार बुद्धि
वा दृष्टिगोचर पुद्गल पर्यायनी विषय द्रव्य बुद्धि अदृष्टिगोचर द्रव्य गुण पर्यायनी विषय अभाव बुद्धि सो अग्रहित मिथ्यात् भाव है। पर द्रव्य जो शरीर पुद्गल पिंड ता विषय जो अहम बुद्धि सो यह मैं हूँ सो यह परद्रव्य विषय अहम बुद्धि मिथ्यात्म भाव। देखो अब यहाँ बता रहे हैं अग्रहित पना भी बता रहे हैं और वहां मिथ्यात् अग्रहित मिथ्यात् का स्वरूप यहाँ पे बता रहे हैं। एक मैसेज है तत्व और भाव ये संवर निद्रा में किस प्रकार घटेगा। अच्छा जैसे संवर निद्रा तत्व है तो संवर निद्रा तत्व में भाव क्या हो जाएगा कि भाई वितरागता मतलब वो उसका तस्य भावन तत्व संवर निद्रा में जो वितरागपना है तो उसका भाव है वितराग का भाव है। अब एक देश वितरागता और पूर्ण वितरागता ऐसे मोक्ष में भी आप लगा लो तो इस तरह से वहां पे बैठेगा। देखो यहाँ देखते हैं अग्रहित मिथ्यात् का स्वरूप कहिए तो देखो यहाँ पे नॉर्मली इतना डिटेल हमने नहीं पढ़ा होगा कहीं अग्रहित मिथ्यात् के बारे में। देखो पर द्रव्य पर गुण पर पर्याय विषय अहंकार ममकार बुद्धि पर द्रव्य पर गुण और पर पर्याय एक शब्द में बोलो तो पर में अहंकार और ममकार बुद्धि का होना तो पर में पर द्रव्य पर गुण और पर पर्याय सभी आ जाएंगे। तो उसमें अहंकार मतलब ये मैं हूं ममकार मतलब ये मेरे हैं इस तरह की बुद्धि का होना व दृष्टिगोचर पुद्गल पर्यायनी विषय द्रव्य बुद्धि अदृष्टिगोचर द्रव्य गुण पर्यायनी विषय अभाव बुद्धि जो जो हमको दृष्टि में मतलब हमारी इंद्रियों के विषय जो बन रहे हैं जो जो दिखाई दे रहा है उनके लिए तो द्रव्य बुद्धि और जो अदृष्टिगोचर हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमको दिखाई नहीं देते हैं तो उनके संबंध में अभाव बुद्धि। या फिर इसका दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि दृष्टिगोचर तो पुद्गल द्रव्य और अदृष्टिगोचर आत्मा मतलब जो इन इंद्रियों के माध्यम से दृष्टि में नहीं आ रहा है ऐसा तो सिर्फ जैसे चार्वाक होते हैं तो वो कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से जो जानने देखने में आता वही वस्तु है वही उनकी उनका ही अस्तित्व है बाकी आप आत्मा वात्मा की बात करो तो ये तो हमको इंद्रियों के ये हमको दिखाई नहीं देती तो दिखाई नहीं देती है तो वो अभाव उसको क्या मानना तो वैसे ही बोल रहे हैं। ठीक है दृष्टिगोचर पुद्गल पर्यायनी विषय द्रव्य बुद्धि अदृष्टिगोचर द्रव्य गुण पर्यायनी विषय अभाव बुद्धि सो अग्रहित मिथ्यात्व भाव इसको अग्रहित मिथ्यात्व कह रहे हैं। पर द्रव्य जो शरीर पुद्गल पिंड ता विषय जो अहम बुद्धि सो यह मैं हूं सो यह पर द्रव्य विषय अहम बुद्धि ये मिथ्यात् भाव है तो अपन आत्मा और पर द्रव्य ये पुद्गल पर द्रव्य है इसके इसमें अहम बुद्धि का होना ये ही मैं हूँ ऐसा ऐसी जो मान्यता है उसको आपको सेंड करो एक मिनट भैया मेरे क्वेश्चन था कि जहाँ से अपन ने लिया यार तहाँ पर द्रव्य पर गुण पर पर्याय विषय अहंकार ओंकार बुद्धि तो एक और चीज नहीं आ सकती कि स्वद्रव्य पर्याय विषय अहंकार ओंकार बुद्धि कि मतलब स्व पर्याय जो हो रही है उस एक जो अपनी पर्याय हो रही है उसमें भी अहंकार ओंकार बुद्धि तो वो भी ये नहीं आ सकता अग्रहित मिथ्यात् में कि एक समय के पर्याय पे जो अहम बुद्धि का रखी हो क्या अनकी ऑप्शन रूप जो पर्याय उसी में हाँ सही आपका क्वेश्चन सुनिए जब भी भेद विज्ञान की बात आती है तो भेद विज्ञान एक प्रोसेस के रूप में होता है पहले भेद कराया जाता है किससे भेद कराया जाता है कि जो भिन्न द्रव्य उनसे भेद कराया जाता है भिन्न द्रव्य को भेद करा दिए कराएंगे उसके बाद आगे बात पड़ेगी कि भैया ये जो विकारी पर्याय चल रही है उस विकारी पर्याय से अहम बुद्धि तोड़ाएंगे उससे कर्तत्व तोड़ाएंगे फिर उससे भी आगे जाएंगे तो निर्मल पर्याय भी हो या फिर गुण भेद भी हो उससे भी दृष्टि हटाएंगे और दृष्टि वहां से हटा करके अभी के आएंगे। मतलब जैसे असद्भूत नए और सद्भूत नए के माध्यम से दिखाया जाता है
हाँ सही है, नए वाला अपन यहाँ लगा सकते हैं नए वाला। हाँ। जो अनादि से अभी आत्मा को जान, आत्मा के स्वरूप के बारे में इतना पता ही नहीं, अभी तो शरीर में ही अहम बुद्धि स्थापित करके बैठे हैं, तो अभी उतना तो वो बात मतलब अभी तो अपना दोष दिखाने के लिए ये भी बताएंगे कि मिथ्याभाव आपका ही है, ये जो आप पे राग द्वेष विकारी परिणाम चल रहे हैं आपके हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो शरीर में अहम बुद्धि करके बैठे हैं ना, शरीर को ही अपना मान रहे, तो वहां से हटा के अभी यहाँ अंदर स्थापित करेंगे, और इस स्थिति में तो जो अंदर आपके द्रव्य गुण पर्याय हैं वो सब आपके हैं। अभी ये भेद नहीं करेंगे कि गुणों का भेद भी मेरे में नहीं है, अभी तो वहां लाएंगे कि आप में ज्ञान दर्शन आदि गुण है, आपकी ये पर्याय जो ज्ञान लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, प्रगट ज्ञान पर्याय छम ज्ञान, वो उससे तो अभी अपनापन कराएंगे। क्यों? क्योंकि अभी पर द्रव्य से हटाना है, तो वहां से हटाना है तो अंदर कहीं लाना पड़ेगा ना, जो दिखाई दे रहा है, जो वो जानता है, जो वो समझ सके, तो अभी वहां से हटा के यहाँ भेद ज्ञान का प्रोसेस ऐसी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो लिया कि मतलब बाउंड्री, बाउंड्री पे पहले पहुंचा रहे हैं, फिर उसके बाद बाउंड्री के अंदर घुसेंगे। हाँ सही है ना, वो नए वाला अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, पहले असत व्यवहार नए व्यवहार नए, फिर उसके बाद भी उपचेत सद्भूत अनुपचेत। हाँ हाँ, निश्चय नए से परम परिणाम मतलब परम शुद्ध निश्चय नए के विषय तक पहुंचाएंगे फिर। ठीक है, इस तरह यहाँ पे अभी मिथ्यात भाव के बारे में बताया। आगे ये सारे ही अग्रहित मिथ्यात का ही प्रकरण चल रहा है अभी आगे भी। ठीक है, देखिए बहुरी जैसे पुद्गल, बहुरी जैसे पुद्गल के स्पर्श आदि भाव तीन विषय अहम बुद्धि, जो मैं हूं ताता में, ताता मतलब गर्म, सीरा ठंडा में, कोमल में, कर्कश में, सचिकण में, रूक्ष में, सूक्ष्म में, हल्का में, भारी में, भारिया में, गोरा में, काला में, आरक्त में, आरक्त मतलब हो जाएगा लाल, ठीक है, हरित में, पीत में, सुगंध में, दुर्गंध में, मीठा में, खाटा में, कटुक में, कसायला में, चिरपुरा में इत्यादि परगुण विषय जो अहम बुद्धि सो मिथ्यात्भाव। देखो पिछले वाले पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन थी, परद्रव्य जो शरीर पुद्गल पिंड ता विषय जो अहम बुद्धि सोए में हूं, ये पर द्रव्य विषय अहम बुद्धि मिथ्यात्भाव है। देखना थोड़ा यहाँ पे लिया द्रव्य के संबंध में, जो अभी हमने पैराग्राफ इसमें गुण के संबंध में लिया, नीचे अब अगला पैराग्राफ जो आएगा वो पर्याय संबंधी लेंगे। आप कह सकते हो कि भाई ये जो ठंडा गर्म ये भी तो एक तरह से पर्याय हैं, लेकिन अभी यहाँ पे उनको गुण संबंधी कह के कहा है। ठीक है, ठीक है ना, देखो पर द्रव्य जो शरीर पुद्गल पिंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा यह पर द्रव्य विषय अहम बुद्धि मिथ्यात्भाव। फिर इस पैराग्राफ जो अभी हमने पढ़ा इसके लास्ट में क्या है, देखो इत्यादि पर गुण विषय जो अहम बुद्धि सुमिथ्यात भाव है ना, तो ये जो स्पर्श आदि के जो भी भाव हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण के जितने भी भाव कहे, तो ये यहाँ पे पर गुण लिए हैं, और इन पर गुणों में अहम बुद्धि कि मैं गोरा, मैं काला, मैं ठंडा, मैं गर्म, हाँ ये सारे इसमें आ जाएगा पर गुण विषय अहम बुद्धि। शरीर सामान्य शरीर मात्र, तो शरीर मात्र को वहां पे उन्होंने लिया द्रव्य में, गोरा काला इत्यादि हो जाएंगे पर्याय में, ठीक है, सॉरी ये हो जाएंगे गुण में। अब बता रहे हैं पर्याय के बारे में, देखिए बहुरी मैं देव, मैं नारकी, मैं मनुष्य, मैं त्रियंच, और इनके अनेक विशेष, मनुष्यों के भी अनेक विशेष हो जाएंगे, ठीक है, सबके अनेक अनेक विशेष, मनुष्य के भेद, देवों के भेद, नारकी के भी भेद, त्रियंशों के भेद, ठीक है, इनके अनेक विशेष, तीन विषय अहम बुद्धि सो पर पर्याय विषय अहम बुद्धि मिथ्यात् भाव है। ऐसा तो पर द्रव्यादि विषय अहम भाव मिथ्यात्व रूप जानना। देखो यहाँ पे क्या कहा, ये जो चार पर्याय ले ली
मैं देव, मैं नारकी, मैं मनुष्य, मैं त्रिअंश, और इनके भी विशेष आप लगा लेना हर एक के काफी। अब जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य में भी काफी बहुत विशेष हो जाएंगे जो आगे चल के बताएंगे भी, थोड़ा और भी बताएंगे, तो इसमें भी काफी विशेष हम लगा सकते हैं। मैं मनुष्य में, मैं भरत क्षेत्र का मनुष्य, मैं भारत देश का मनुष्य, अलग अलग और कितना ही, मतलब कितना ज्यादा हम लगा लेते हैं तो ये विशेष हो जाएंगे। और जैसे देवों में भी हो जाएंगे, देवों में 16 स्वर्ग हैं और वैसे 4 भेद हैं, विमानवासी, भवनत्रिक, ये 4 भेद हो जाएंगे। तो इस तरह के भी जितने भी विशेष हो जाएंगे उनमें भी अहम बुद्धि, ये पर्याय विषय अहम बुद्धि हो जाएगी, ये मिथ्याद्वार। ऐसा तो पर द्रव्य आदि, पर द्रव्य आदि मतलब पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्याय विषय अहम भाव, ये मिथ्यात् भाव जानना। ठीक है, इस तरह सामान्य से अभी इतना बताया कि पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्याय में अहम भाव का होना, इसका नाम मिथ्यात् भाव। आगे थोड़ा और पढ़ते हैं अभी। बहुरी, यह मेरा धन, यह मेरा मंदिर, ये मेरे आभूषण, ये मेरे वस्त्र, ये मेरे धान्यादिक पदार्थ इत्यादि वस्तुनु विषय ममकार। अभी तक अहम बुद्धि की बात चल रही थी, अब ममकार की बात चल रही है। ठीक ना, तो इत्यादि वस्तुनु विषय ममकार, सो परद्रव्यनी विषय ममत्व बुद्धि रूप अग्रहित मिथ्यात् भाव। तो वो अहम बुद्धि भी अग्रहित में लिया है और ममत्व बुद्धि को भी अग्रहित में लिया है। ठीक है ना, अहम बुद्धि को भी अग्रहित में लिया है और ममकार बुद्धि, ममत्व बुद्धि को भी अग्रहित मिथ्यात् भाव में लिया है। शरीर का बल वीर विषय ऐसा मानना, यह मेरा बल ऐसा है। अनेक पराक्रम करूं, अनेक भटनी को जीतूं, अनेक कार्य करूं, यह मेरा शिष्य है। यह मेरा शब्द, यह मेरी चाल, यह अनेक कायनी विषय, मेरी प्रवृत्ति इत्यादि पर गुण विषय ममत्व बुद्धि रूप रहित मिथ्यात् भाव है। देखो ऊपर लिया था द्रव्य का, ये हो गया गुण का। आगे बहुरी, ये मेरे पुत्र, ये मेरी स्त्री, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भ्राता इत्यादि, वा ये मेरे सामंत, ये मेरी सेना, ये मेरी रैयत प्रजा, ये मेरे हाथी, ये मेरे घोड़े, रथ, पालकी, गोधन इत्यादि विषय ममकार बुद्धि सो पर पर्यायनी विषय ममकार बुद्धि रूप अग्रहित मिथ्यात् भाव है। देखो जैसे पिछले पेज पे हमने अहम बुद्धि रूप मिथ्यात् भाव को पढ़ा था, अब यहाँ पे ममकार बुद्धि रूप मिथ्यात् भाव को बताया और उसको भी द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों के भेद से बताया कि मेरा धन, मेरा मंदिर, मेरे आभूषण, इन सब को लिया द्रव्य। ठीक है ना, आदि फिर उसके बाद लिया शरीर के बल। ठीक है ना, ये मेरा शिष्य, ये मेरा शब्द, ये मेरी चाल, इन सब को लिया गुण। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी सेना, मेरी प्रजा, इन सबको लिया पर्याय। तो इस तरह द्रव्य, पर द्रव्य गुण पर्याय में ममकार बुद्धि का होना, इसको भी अग्रहित मिथ्यात् भाव में लिया। ठीक है, तो ये मेरे हैं और ये मैं हूँ। अहंकार ममकार में डिफरेंस क्या है कि ये मैं हूँ उसको तो लिया था अहम बुद्धि में, और ये मेरे हैं इनको, इसको लिया है ममत्व बुद्धि में। थोड़ा 2 मिनट और लगेंगे मेरे हिसाब से, ये अगला पैराग्राफ आप पढ़ लेते हैं जिससे ये अग्रहित मिथ्यात् का पूरा हो जाएगा। बहुरी, दृष्टि विषय जेती घटपटादि पुद्गल की पर्याय आवे हैं, तिनको जुदा जुदा द्रव्य माने हैं। बहुरी, देखने में जितने भी घटपटादि पुद्गल की पर्याय देखने में आती हैं, उनको जुदा जुदा द्रव्य माने, मतलब जो अहम बुद्धि और ममकार बुद्धि में ले लिया वो तो ठीक है, इनके अलावा
जितने जितने द्रव्य उनको जुदा जुदा मानते हैं, उनको भिन्न भिन्न मानते हैं। दो कैसे, ये घट है, ये पट है, ये स्वर्ण है, ये पाषाण है, ये पर्वत है, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये काक है, ये चिड़िया है, ये सियाल है, ये सिंह है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, इत्यादि पर्यायनी विषय द्रव्य बुद्धि धारे है, तिनको सत्य माने हैं। देखो ऊपर जो लिया था पर पर्यायनी विषय ममकार बुद्धि और उसके ऊपर भी लिया था अहम बुद्धि, ठीक है, वो गलती क्यों थी कि ये मैं हूं, ठीक है, और बाकी इनको क्या लिया, ये सत्य है कि भाई ये परद्रव्य को परद्रव्य मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो जो दृष्टिगोचर है, ठीक है ना, जो एक बात आई थी ना जब हम पढ़ रहे थे परिभाषा मिथ्यात्व की, तो उसमें एक बात और ली थी, जो दृष्टिगोचर पुद्गल पर्याय है उनको तो मानता है, उनमें तो द्रव्य बुद्धि, और जो अदृष्टिगोचर पूर्ण पर्याय है उनमें अभाव बुद्धि, ये वाली बात आई थी ना, वो वाली बात यहाँ पे ले रहे हैं। देखो तो जो दृष्टिगोचर ये घट पट पाषाण स्वर्ण आदि ये दृष्टिगोचर है, इनमें द्रव्य बुद्धि धारे तिनको सत्य माने, ये उसकी जो दृष्टिगोचर है उनकी बात की। अब जो दृष्टिगोचर नहीं है उनकी बात करते हैं। अरे जे दृष्टिगोचर नाही ऐसे जे दूर क्षेत्रवर्ती वह होय करी विनस गई वह अनागत काल विषय होएगी वह इंद्रनित अगोचर सूक्ष्म पर्याय इत्यादि जे अपनी अर पर की तिनको अभाव रूप माने हैं। देखो इनका सत्व हुआ वह होएगा वह वर्तमान विषय है नाही माने हैं। ये क्या मानता है कि ये जो दृष्टिगोचर नहीं है, कौन कौन दृष्टिगोचर नहीं है, दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थ जो पर्याय विनस गई है वो, जो भविष्य में होंगी वो, और इंद्रियों के अगोचर मतलब जो इंद्रियों का विषय नहीं बन पाते, ऐसे सूक्ष्म परमाणु इत्यादि, जो परमाणु इत्यादि इंद्रियों के विषय नहीं बन पाते, ऐसे सूक्ष्म पदार्थ सूक्ष्म पर्याय उन सबको अभाव रूप मानता है, ठीक है। इनका सत्व हुआ वा होएगा वह वर्तमान विषय है ही नहीं, मतलब इनके इनकी अस्तित्व ही नहीं मानता, ऐसा ये मिथ्यात्व भाव कहलाएगा, ठीक है। इत्यादि भाव तो अग्रहित मिथ्यात्व रूप जानना, ये अग्रहित मिथ्यात्व जो जीव के अनादि भाव हैं, और यथा योग्य सर्व पर्याय सदाकाल सर्व क्षेत्र में जीव के प्रवर्तते हैं, कोई करी कदाचित उपदेशित नहीं ताते नैसर्गिक कहिए। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जितनी भी ऊपर जो अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में जितना थोड़ा द्रव्यगुण पर्याय से पर द्रव्यगुण पर्याय में अहम बुद्धि ममकार बुद्धि और दृष्टिगोचर को सत्य मानना और दृष्टिगोचर का अभाव मानना, इस तरह की जितनी भी इसका मिथ्यात्व चल रहा है जीव का, उस सब के बारे में बोल रहे हैं कि ये किसी के द्वारा कहे जाने पर नहीं है, उपदेशित नहीं है, ये इसके द्वारा स्वयं से अनादि से चल रहा है, किसी के कहने पे नहीं चल रहा है, इसका स्वयं से ही वैसा चल रहा है, इसको यहाँ पे कहा है नैसर्गिक, नैसर्गिक बोलो या फिर अग्रहित बोलो। भैया ये लास्ट पैराग्राफ में दो मतलब दो अपेक्षाओं से बताया है, एक तो दृष्टिगोचर और अदृष्टिगोचर, जो दृष्टिगोचर नहीं है, तो पहले वाले को क्या मिथ्यात्व नहीं कहा इन्होंने, मतलब इसमें मिथ्यात्व कैसे सिद्ध हो रहा है पहले वाले अपेक्षा वाली अपेक्षा में मिथ्यात्व नहीं, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि जितना इंद्रिय दिखाई दे रहा है सिर्फ उतना ही मानना है? और नहीं 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 देखो इसमें एक और कुछ लिखा वो पर्याय नहीं विषय द्रव्य बुद्धि धारे है इन हाँ। पर्याय में इन ये शायद ग्रह ये मिथ्यात्व तो होगा सही है। बहुरी दृष्टि विषय इनमें मतलब ये जो पर्याय हैं मतलब ये जितने भी बताए इन्होंने उनमें द्रव्य बुद्धि मतलब इत्यादि पर्यायनी विषय द्रव्य बुद्धि धारे हैं, सही है, ये अच्छा पॉइंट बताया आपने, मतलब जो पहले पेज पे परिभाषा थी वहां भी यही था शायद, एक मिनट पिछले पेज पे निकल ना जहाँ पे अग्रहित का स्वरूप बताया था, हाँ यही था और ऊपर
पिछले पेज पे, लास्ट पेज पर। थोड़ा हाँ यहाँ पर ही, नहीं थोड़ा सा और ऊपर ये तो रहा, ये तो रहा। हाँ यहाँ पर ही देखिए, दृष्टि गोचर पुद्गल पर्यायनी विषय दर्वबुद्धि। हाँ ये आगे ना, दृष्टि गोचर पुद्गल पर्यायनी विषय दर्वबुद्धि। देखो ये यहाँ पे हाँ, फिर इसका डिवीजन कर करके आगे समझा, ठीक है। हाँ, और फिर अगोचर का भी नीचे लिया है। हाँ, और अदृष्टि गोचर द्रव्यगुण पर्यायनी विषय अभाव बुद्धि सो अग्रहित मिथ्याभाव। देखो ये जो पूरी डेफिनेशन है ना, स्टार्टिंग की तीन लाइन है। हाँ, अब अग्रहित मिथ्याभाव परगुण पर पर्याय विषय अहंकार अहंकार बुद्धि, तो इसको समझाया पहले, ठीक है। फिर इसके बाद बताया दृष्टि गोचर, मतलब इसमें भी पहले अहंकार को समझाया था, फिर ममत्व बुद्धि को समझाया था, और फिर दृष्टि गोचर पुद्गल पर्यायनी विषय दर्व बुद्धि, मतलब जो है तो पर्याय पुद्गल पर्याय है, उन पुद्गल पर्यायों में दर्व बुद्धि, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। इसके बाद लिया कि जो अदृष्टि गोचर द्रव्यगुण पर्याय है, इन विषय अभाव बुद्धि, इस इन सब को अग्रहित मिथ्यात्म में बताया, और इसके लिए एक शब्द लिया कि ये नैसर्गिक है, ये किसी के द्वारा उपदेश के द्वारा इसको ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो इस ये सारी अग्रहित मिथ्यात्म, मतलब अग्रहित किसी के द्वारा नया ग्रहण नहीं किया है, ये अनादि से चला आ रहा है और स्वयं के द्वारा स्वयं स्वयं से होता रहता है, तो इसको यहाँ पे नैसर्गिक और अग्रहित मिथ्यात्म में दिया है, ठीक है। आज इतने ही लेते हैं, आगे समय हो गया, आगे ग्रहित मिथ्यात्म की चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ग्रहित मिथ्यात्म में देवगुरु शास्त्र के स्वरूप का अन्यथा सिद्धाने वाली बात आएगी, तो देवगुरु धर्म के ये बात हम कर लेंगे। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायणम, नमो लोय सवसावणम। सभी दो मिनट रुकना। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजिन भगवंतों की जय हो। द्वासंगी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की